एवरीवन, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी संडे एंड आई एम श्योर आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे परिवर्तन की, परिवर्तन यानी कि चेंज। और कई जगह आपने सुना होगा और कई बार लोगों से सुना होगा कि परिवर्तन जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन जरूरी है। लेकिन परिवर्तन जब हम बात करते हैं, जो चेंज की हम जब बात करते हैं, हम दूसरे में वो परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो चेंज दूसरे में देखना चाहते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि चेंज जो है, चेंज क्या है, मुझे में करना जरूरी है। अगर मैं खुद में चेंज करूँगा तो क्या मैं चेंज देख पाऊँगा? जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि अगर हम चेंज खुद में लेके आए तो ऑटोमेटिकली आपको आगे की चीज़ें भी बदलती नजर आती हैं। तो अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो और आपको चेंज करना है तो 3 से 4 सवाल दिमाग में आते हैं। पहला सवाल आता है कि क्या चेंज करना है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद में क्या चेंज करना है। दूसरा सवाल आता है क्यों चेंज करना है, तो किस लिए चेंज करना है। तीसरा आता है कि कैसे चेंज करना है। अगर आपको क्या और क्यों पता चल गया तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कैसे उस चेंज को अपने जीवन में लेके आएंगे। और जब हम तीसरा सवाल का भी आंसर ढूंढ लेते हैं तो चौथा सवाल आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। यहीं पे काफ़ी लोग पीछे चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी समटाइम इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है। क्योंकि पहले 3 के सवाल के जवाब देने देने में ही हम चौथे में जब अटक जाते हैं, वहाँ पे जब बोलते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, वो जो लास्ट पुश चाहिए होता है वो यहीं पे चाहिए होता है। कि अगर वो लास्ट पुश थोड़ा सा आप हिम्मत करके हमने कदम आगे बढ़ा लिया और सोचा कि नहीं मैं कर पाऊँगा, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 4 सवाल जो मैंने पूछे, ये 4 सवाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो चौथा वाला है उसमें थोड़ी पुश की ज़रूरत है क्योंकि हम लास्ट स्टेज पे कभी कभी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ।